हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में हूँ आज की नई क्लास के साथ। आज की हमारी क्लास है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यदि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसके यूजेज को अच्छे से जानना चाहते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, उसको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और परीक्षा की दृष्टि से इसको इंपोर्टेंट समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी में इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रही है। मैं इस समय बाजार जा रहा हूँ, वो खाना खा रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है, इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, तो ही शी इट नेम, ही शी इट नेम के साथ भी यूज किया जाता है इज का, और साथ ही साथ जो मेन वर्ब यूज होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आई के साथ यूज किया जाता है एम का, उसी के साथ मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वी यू दे के साथ यूज होता है आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। तो ये बात होती है इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की, इसमें यूज करना होता है हमको इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। लेकिन इसका यूज कहां किया जाता है, हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस है, तो इसके लिए देखते हैं हमारे पास यूजेज है, तीन यूजेज हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका जो पहला यूज है वो यूज है जो काम इस वक्त हो रहा है, ऐसे वो सभी कार्य जो इस वक्त हो रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस समय हो रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, इस वक्त हो रहा है, वह इस वक्त बाजार जा रही है, वह खाना खा रहा है, तो ऐसे सभी कार्य जो इस वक्त हो रहे हैं उन सभी सेंटेंसों को हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में शामिल करते हैं। बात करते हैं दूसरे यूजेज की, तो दूसरा यूज है हमारा जो काम इन दिनों चल रहे हैं, ऐसे वो सारे कार्य जो इस वक्त चल रहे हैं वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आते हैं। इन दिनों जो हो रहे हैं, एक लंबा जो पीरियड हो जाता है, इन दिनों जो भी काम हो रहे हैं वो सभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही आते हैं। जैसे पूरा संसार आज कोरोना वायरस संकट का सामना कर रहा है, पूरा संसार इन दिनों कोरोना संकट का सामना कर रहा है, भारत इन दिनों एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, वह इन दिनों एक नया मकान का निर्माण कर रहा है, इस प्रकार के सेंटेंस जो इन दिनों जो भी कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। बात करते हैं तीसरे प्रयोग की, तो तीसरा प्रयोग है भविष्य में जो भी काम होने जा रहे हैं, ऐसे वो सभी काम जो फ्यूचर में होंगे लेकिन पहले से डिसाइड होने जा रहे हैं, ऐसे सभी कार्य को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही शामिल करते हैं। जैसे मैं अगले सप्ताह अलवर जा रहा हूं, बात हो रही है अलवर जाने की, वो भी कब जा रहा है, अगले सप्ताह, तो भविष्य में होने जा रहे सुनियोजित कार्यक्रम है ये भी, तो ऐसे सेंटेंसों को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही दर्शाते हैं कि मैं अगले सप्ताह अलवर जा रहा हूं, फ्यूचर में है, होने जा रहा है काम, इसलिए भी इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही प्रयोग होता है। तो चलिए गाइस, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं तीनों यूज। स्टूडेंट बात करते हैं इसके प्रयोग की, तो पहला जो यूज है इसका वो है हमारी टाइम एक्सप्रेसिव एडवर्ब, समय को बताने वाली एडवर्ब। तो ये वो ही एडवर्ब है इस टेंस में जो समय, ऐसे समय को बताएगी जो इस समय कार्य चलता हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं, दे खालिस्तान वाज क्लोज एट दिस टाइम, वे इस समय कपड़े धोने की बात आती है, इस समय जब भी कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब एट दिस टाइम जो एडवर्ब है कौन से टेंस को शो करेगी, हमारी प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस को, क्योंकि एट दिस टाइम इस समय जो भी कार्य होंगे वो सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। अगले में देख लिए, टुडे है हमारे पास में आज वर्तमान की जब बात की जा रही है और समय जो कार्य चल रहे हैं तो इसका मतलब टेंस आएगा प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ऊपर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हमारे पास कौन कौन सी है, नाउ है, एट द प्रेजेंट है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, टुडे, नाउ इट इज, दीज डेज, करंटली, इसके अलावा दिस के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम समय का केंद्र बिंदु। फॉर एग्जाम्पल समय के केंद्र बिंदु के लिए हम क्या लेते हैं कि जैसे दिस के साथ मॉर्निंग, समय का केंद्र बिंदु है मॉर्निंग दी गई है, दिस के साथ इवनिंग भी आ सकता है, दिस के साथ नाइट भी आ सकता है, दिस के साथ मंडे ट्यूजडे कोई भी दिन का नाम, यानी कि कह सकते हैं कि एक शॉर्ट पीरियड जो होता है समय का वो सभी हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देखने को मिलेंगे। तो इसके एडवर्ब वो ही है जो इस समय के समय को बताती चलेंगी, जैसे नाउ, अब, इस प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, इस समय,
एट दिस टाइम इस समय तो ऐसी वही एडवर्ब शामिल की जाएंगी जो इसका इस समय जो भी कार्य चलते रहेंगे उनको शो करेगी। तो देखते हैं पहला एग्जांपल है, द खालिस्तान वाज क्लोज एट दिस मॉर्निंग एट दिस टाइम। तो यहाँ पर जो ये एडवर्ब दी गई है वो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम भरते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो दे के साथ में जो यूज किया जाता है, दे के साथ यूज होता है हमारा आर का, तो यहाँ यूज होगा आर और वाज के साथ में लगाएंगे आई एन जी। तो सेंटेंस बनेगा दे आर वॉशिंग क्लोथ्स एट दिस टाइम, वे इस समय कपड़े धो रहे हैं। बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस की, वी खालिस्तान गो टू आगरा टूडे। टूडे का मतलब हो गया आज, कि वे आज आगरा जाने की बात हो रही, तो वे आज आगरा जा रहे हैं। तो टूडे ऐसी एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को शो करेगी। तो यहां पर देखते हैं वी के साथ लगाएंगे आर और गो में लगाएंगे आई एन जी। तो वी आर गोइंग टू आगरा टूडे, हम आज आगरा जा रहे हैं। बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, शी इज ए कुक फूड नाउ। नाउ का मतलब होता है अब, तो वह अब फिलहाल इस समय क्या कर रही है, फूड यानी भोजन जो है वो कुक कर रही है, पका रही है। ऐसे कार्य जो इस समय होते हैं अभी हो रहे हैं, उन सभी सेंटेंसों को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लेते हैं। तो इसलिए नाउ जो एडवर्ब है वो भी हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चली जाएगी। तो सी के साथ बनेंगे इज और कुक पे लगा करेंगे आई एन जी, तो ये हो जाएगा कुकिंग। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है, दिस के साथ हमारे पास मॉर्निंग दिया हुआ है। तो मैंने भी बताया दिस के साथ यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो आई के साथ बोलेंगे एम और निट में लगाएंगे आई एन जी, तो ये हो जाएगा आई एम निटिंग ए स्वेटर दिस मॉर्निंग। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने देखा ऊपर से ही हमने लिखा है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब दी गई है सेंटेंसों में, तो ये वो ही एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को शो करने वाली है। तो आपको इन सभी एडवर्ब को याद रखना है और करेक्ट फॉर्म के जो भी क्वेश्चन है उनको सही करना है। आगे बात करते हैं इसके दूसरे नियम की ओर। तो दूसरा जो हमारा नियम है वो है फ्यूचर में होने वाले जो कार्यक्रम है, यानी कि ऐसे कार्य जो फ्यूचर में होने जा रहे हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरा नियम है इसका, भविष्य में होने जा रहे कार्यक्रमों के साथ में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल पहला है, ही खालिस्तान गो टू चेन्नई टू नाइट, वह आज रात, अभी आज रात जो है वो फ्यूचर का समय है क्योंकि आज रात अभी हुई नहीं है, तो आज रात वह चेन्नई जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि आज रात वो चेन्नई जा रहा है। तो ऐसे कार्य जो भविष्य में होने जा रहे हैं उन सभी कार्य को साथ में भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो इसमें ही के साथ यूज करते हैं हम ही इज का और गो में लगाएंगे आई एन जी, तो ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, आई खालिस्तान लीव फॉर पटना नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ अगले महीने, अभी फ्यूचर का समय दिया गया है इसमें, अगले महीने वह अगले महीने पटना के लिए, और पटना के लिए मैं लीविंग कर रहा हूँ, पटना के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, यानी पटना मैं जा रहा हूँ। तो ये भी एक फ्यूचर का एक्शन है, और फ्यूचर का एक्शन पहले से बता रखा है कि फ्यूचर में काम होने जा रहा है। तो इसे ऐसी कंडीशंस में भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं। तो आई के साथ क्या यूज होगा, एम का, और लीव में लगाएंगे आई एन जी, तो आई एम लीविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने पटना के लिए जा रहा हूँ, पटना के लिए छोड़ रहा हूँ। स्टूडेंट बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के तीसरे यूज की, तीसरा जो यूज है इसका कब किया जाता है, यदि सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एक आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा ये वाला, यदि सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क से हो तो दूसरे उपवाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि देखा पहला सेंटेंस हमारे पास में लुक है, और लुक के जस्ट पीछे लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी विस्मयादिबोधक होता है चिन्ह, कि लुक देखो समवन ब्लैक है कम हेयर, कि देखो कोई व्यक्ति यहाँ आ रहा है। ऐसे सेंटेंस जिसका प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क से हो, तो दूसरा संभावना ये होती है कि दूसरा जो क्लास होगा वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा। इसमें देखा जा रहा है लुक आ रहा है हमारे पास में, लुक देखो समवन, समवन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसके विधान में लगेगा इज, और कम में लगानी है हमको आई एन जी, तो समवन इज कमिंग हियर, देखो कोई यहाँ आ रहा है। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं लिसन सुनो, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, सुनो द रिवर, नदी जो है
फास्ट तेजी से फ्लो का होता है बहना। तो सुनो, नदी जो है वो तेजी के साथ बह रही है, नदी भी सिंगुलर नाउन है हमारे पास में, तो यहाँ लगेगा इज और फ्लो में लगाएंगे आई एन जी, तो ये हो जाएगा फ्लोइंग। तो देखो कोई व्यक्ति आ रहा है, सुनो नदी जो है वो तेज दौड़ रही है, यानी कि बहुत तेज गति से बह रही है। तो यहां हमने तीन एग्जांपल्स की बात की, दो एग्जांपल्स की बात की है हमने, तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के तीन यूजों के बारे में पढ़ा है, तीन प्रयोगों के बारे में। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ ऐसे एडवर्ब को शामिल किया जाएगा, पहला से पहला जो हमारा नियम लिखाया था, ऐसे एडवर्बों को शामिल किया जाएगा जो इस समय कार्य चलते हुए वो प्रतीत करेंगी। दूसरा जो यूज लिखाया है वो है भविष्य में होने जा रहे जो सुनियोजित कार्यक्रम बताए जा रहे हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो हमारे बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क से हो तो भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।